हेलो एंड वेलकम टू सीरीज़ ऑफ फॉर्चुनेट इवेंट्स। आज का चार्ट आइटम एज अ पार्टी स्टार्टर बहुत पॉपुलर है और उसके यूनिक शेप के कारण बच्चे तो इसे बहुत पसंद करते हैं। तो कैसे बनाते हैं बर्ड्स नेस्ट चार्ट, चलिए देखते हैं। नेस्ट बनाने के लिए आपको लेना होगा उबला हुआ आलू कद्दूकस करके, और उसमें मिलाएंगे आप 2 टेबलस्पून पनीर, थोड़ा सा प्याज और बारीक कटी हुई मिर्च। धनिया नमक स्वाद अनुसार, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और नींबू जूस। नींबू का रस ऑप्शनल है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिलाएंगे आटे की तरह। और इसमें कॉर्नफ्लावर मिला देंगे। कॉर्नफ्लावर बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। और इस सबको फिर से अच्छे से आप मिला देंगे। तैयार होने के बाद हमारी पेस्ट इस तरह से दिखेंगी, जिसमें से आपको छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। बॉल्स बनाने के वक्त मैंने हाथ में थोड़ा सा तेल लगा दिया है, जिससे आलू मेरे हाथ में ना चिपके। आलू की हमें इस तरह से छोटी छोटी कटोरियां बनानी है। और एक बार तैयार हो जाए तो इस तरह दिखेंगी। स्लरी बनाने के लिए हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले लेंगे। और उसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून मैदा। और धीरे धीरे करके ठंडा पानी उसमें ऐड करते जाएंगे। हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है। एक बार हमारी स्लरी तैयार हो जाए तो फिर कुछ इस तरह दिखेगी। इस स्लरी में हम हमारी आलू की कटोरियाँ डिप करेंगे और सारी ओर से उसे स्लरी में कवर कर देंगे। एक एक करके सारे आलूओं को स्लरी में डुबोना है। और हमारी आलू की कटोरियों को सेवई से कवर कर देंगे। ये इम्पोर्टेंट है कि सेवई अनरोस्टेड हो, नहीं तो तलने के वक्त ये सारी जल जाएंगी। अब हमारी आलू की कटोरियां घोंसले जैसी दिखने लगी है। अब ये फ्राइंग के लिए बिल्कुल तैयार है। बर्ड्स नेस्ट के अंडे बनाने के लिए हम लेंगे पनीर, और उसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, और इसे अच्छे से मिला देंगे। और इसे दबा के मिलाना है ताकि एक दूसरे के साथ ये सब इंग्रेडिएंट्स बाइंड हो जाए। और उसके छोटे छोटे टुकड़े निकाल के उन्हें बॉल्स में बनाना है। और फिर उसे अंडे का शेप दे देंगे।
ये हमारे अंडे अब तैयार हो गए। एक बार इसकी साइज नेस्ट के कंपैरिजन में चेक ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले हम हमारी टिक्कियों को डीप फ्राई करेंगे। इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, इस तरह। एग्स जो हमने बनाए हैं पनीर के, उसे थोड़ी देर के लिए तेल में फ्राई करना है और तुरंत निकालना है। ज़्यादा देर रहने से इनका कलर ब्राउनिश होने लगता है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि उन्हें तुरंत तेल से बाहर निकालना है। अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। हमारे बर्ड्स नेस्ट को हम पुदीने के पत्तों से सजाएंगे। और अपने पनीर के अंडे उसमें ऐड कर देंगे। देखिए तैयार होने के बाद ये कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। इसे आप अपने पसंद के अनुसार किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं। आप इसे ट्रेडिशनल चाट की तरह प्लेट में सर्व कर सकते हैं, दही और चटनियों के साथ। या फिर इसे नगेट्स की तरह सर्व कर सकते हैं विथ चटनियों का डिप ऑन द साइड। तो ये तैयार है आपकी बर्ड नेस्ट चाट। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो आप हमारे दूसरे वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।